आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने अमरीकी दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में NRA से करेंगे खिताब। टेक CEO गोलमेज कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत और मुतादिद ममालिक के सरबराहान के साथ करेंगे दो तरफा मुलाकातें। क्वाड ग्रुप के विल्मिंगटन इलामिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी तआवुन बढ़ाने पर जोर। भारत आइंदा साल क्वाड समिट की करेगा मेजबानी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के हम मनसबों से अहम मौजूदात पर की दो तरफा बातचीत। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में रैली से किया खिताब। कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का हक सिर्फ मरकज को, अपोजिशन जमात पर आवाम को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। रंग ला रही है वर्राटू मुहिम। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सली नजरिया से मुतासिर मजीद 4 नौजवानों की कराई घर वापसी। अब तक 872 माओनवाज डाल चुके हैं हथियार, इनमें 197 के लिए किया गया था इनाम का ऐलान। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले की गिनती में किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिली मतलूबा 50% वोट। अनुरा दसानायका को 41% वोटों के साथ बढ़तरी। वहीं सुजीत प्रेम दासा 33% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। और चेन्नई टेस्ट में भारत की शानदार जीत। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 280 रन से दी शिकस्त। 515 रन के हदफ का ताकुब करते हुए बांग्लादेशी टीम 234 रन तक ही रही महदूद। दूसरी इनिंग में आर अश्विन ने 6 विकेट हासिल किए। और आइए अब खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमरीका दौरे का आज दूसरा दिन है, जो अहम होने के साथ साथ बहुत मसरूफ होने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क में टेक CEO गोलमेज इजलास में शिरकत करेंगे। आज उन्होंने नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा ओली, फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास और कुवैत के वली अहद के साथ दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। इनके अलावा आज उनका NRE से मिलने का भी प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमरीका दौरे का दूसरा दिन अहम होने के साथ साथ इंतहाई मसरूफ भी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे के दूसरे दिन क्या खास होगा, न्यूयॉर्क से हमारे नामानिगार निखिल सिंह तफसीलात बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का पहला दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, जो क्वाड शिखर सम्मेलन की सफलता के साथ उसका अंत हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी बेहद महत्वपूर्ण रही। इसके साथ ही साथ अब सारा फोकस न्यूयॉर्क पर शिफ्ट हो गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का दूसरा दिन होगा और सबसे महत्वपूर्ण होगा इसमें भारतीय समुदाय का उनको संबोधन, और इस संबोधन को मोदी एंड US प्रोग्रेस टुगेदर के नाम से जाना जा रहा है। इसका यहां पर मौजूद भारतीय बेहद उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बेहद उत्साहित हैं। इस संबोधन के बाद प्रधानमंत्री टेक CEOs राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे, जिसमें तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम दुनिया के बड़े दिग्गज कंपनियों के CEOs के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और भारत में निवेश के अवसरों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही साथ तमाम दूसरे देशों के साथ में जो यहाँ यूनाइटेड नेशंस में भाग लेने के लिए आए हैं, ऐसे राष्ट्र प्रमुखों के साथ में तमाम देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत भी प्रस्तावित है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा का दूसरा दिन भी बेहद महत्वपूर्ण और बेहद व्यस्त रहने वाला है। कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, DD News, न्यूयॉर्क। और विल्मिंगटन में मुनाकिदा क्वाड समिट में किन निकात पर इत्तेफाक राय किया गया, आइए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मुश्तरक बयान पर एक तायराना नज़र डालते हैं। दरअसल क्वाड ग्रुप ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की है।
क्वाड ममालिक का हिंद बहरुल काहल खत्ते में तरबियत के लिए नए इलाकाई समुद्री इकदाम मैत्री का किया उन्होंने ऐलान। IPMDA और दीगर क्वाड पार्टनरशिप पहल के जरिए फराहम करदा आलात के इजाफे पर इतफाक राय और आबी निगरानी और तहफ़ और मुतालिका कवानीन के नफाज और गैर कानूनी रवैये की रोकथाम को यकीनी बनाने पर रहा जोर। भारत 2025 में मैत्री वर्कशॉप की मेज़बानी करेगा। मैरीटाइम कानूनी बातचीत के आगाज़ का खैर मकदम किया गया। हिंद बहरुल काहल खत्ते में कवानीन पर मबनी बहरी निज़ाम को बरकरार रखने की कोशिशों में बाहमी तावुन पर हुई कानूनी बातचीत। क्वाड शराकत दार वाले साल में IPMDA में नई टेक्नोलॉजी और डेटा शामिल करने की हिमायत का ऐलान। पहले आपको बता दें कि क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 मंसूबे का आगाज़ किया गया और अमरीकी कोस्ट गार्ड, जापानी कोस्ट गार्ड, ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड की शमूलियत पर बात हुई। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी में इस्लाहात पर भी बातचीत हुई। क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट के आगाज़ का भी ऐलान किया गया। क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का भी ऐलान किया गया और साथ ही लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट मुश्तरका एयरलिफ्ट की सलाहियतों को आगे बढ़ाने का काम भी करेगा। इज्तिमाई लॉजिस्टिक की ताकत से फ़ायदा हासिल करने के लिए ये होगा और साथ ही क्वाड फ्यूचर पार्टनरशिप पोर्ट्स का भी ऐलान किया गया। हिंद बहरुल काहल खत्ते में पायदार और लचकदार बंदरगाह के बुनियादी ढांचे की तरक्की में तावुन पर भी जोर दिया गया। क्वाड रीजनल पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2025 में मुंबई में भारत की मेज़बानी होगी और क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप को 2200 से ज़्यादा माहिरीन तक वसत देने की सताइश की गई। मुश्तरका बयान के मुताबिक हमें काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी के हल के लिए शराकत दारी में तोसी का ऐलान करने पर फ़ख्र है। इंडो पैसिफिक तलबा को $500,000 मालियात की 50 क्वाड स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया गया और अमरीकी कोस्ट गार्ड, जापानी कोस्ट गार्ड, ऑस्ट्रेलवी बॉर्डर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड इसमें शामिल होंगे। क्वाड ममालिक का हिंद बहरुल काहल खत्ते में तरबियत के लिए नए इलाकाई समुद्री इकदाम का ऐलान किया गया जिसमें मैत्री शामिल है। IPMDA और दीगर क्वाड पार्टनरशिप पहल के जरिए फराहम करदा आलात के इजाफे पर इतफाक राय किया गया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका ने कई महाज़ों पर दुनिया भर में भारत की साख में इजाफा किया है। वज़ीर आज़म मोदी के अमरीकी दौरे के पहले दिन की कामयाबियों का हवाला देते हुए वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कसीर जहती मीटिंगों में वज़ीर आज़म मोदी ने हिंद बहरुल काहल खत्ते में मुख्तलिफ शराकत दारों के साथ तआवुन, राबते और मशगूलियत के लिए भारत के विजन को उजागर किया। हिंद बहरुल काहल खत्ते के क्वाड मेंबर ममालिक भी भारत के इकदाम की हिमायत कर रहे हैं। Minister underlined India's approach of cooperation, contact and engagement for growth with a variety of partners in the Indo-Pacific. It was striking to hear the other Quad leaders acknowledge India's actions and also at the same time hear their expectations of India, which really underlines the need to continue to work and sustain this enormous trust that India has earned from its partners. खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि अमेरिका के जरिए भारत से स्मगल की गई 300 से ज़्यादा नवादरात की वापसी एक बड़ी कामयाबी है। भारत अब न सिर्फ तरक्की की बात कर रहा है बल्कि विरासत की भी बात करता है। United States, I would point to a very special feature of that bilateral meeting, which was the return of nearly 300 antiquities to India. So here we were talking not just about vikas but also about virasat. खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि आलमी अमन के तई भारत के अज़्म को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश किया है। The Prime Minister also mentioned that at a time when the world is ridden with tensions and conflicts, the coming together of these four Quad partners with shared democratic values is important for humanity. He said the Quad was here to stay,
to assist, to partner and to complement the efforts of the Indo-Pacific countries. खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कैंसर के खात्मे और दीगर ताउन के लिए भारत की मदद के ऐलान को पूरी दुनिया के लिए एक अहम कदम करार दिया. Prime Minister announced a grant of $7.5 million for making available HPV sampling kits, detection kits and cervical cancer vaccines to countries in the Indo-Pacific as part of the Cancer Moonshot initiative. India will also offer technical assistance and capacity building on DPI in cancer care to interested countries from the Indo-Pacific through its commitment of $10 million to the WHO's Global Initiative on Digital Health. There's a commitment from the Serum Institute of India in partnership with Gavi and the Quad to support orders of up to 40 million HPV vaccine doses for the Indo-Pacific region. India will also invest $2 million in setting up new solar projects in Fiji, Comoros, Madagascar and Seychelles. The Quad partners agreed to launch a maritime initiative for training in the Indo-Pacific. It's called Maitri, to enable Indo-Pacific partners to maximize tools provided through IPMDA and other Quad initiatives. वजीर दिफा और बीजेपी के सीनियर रहनुमा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया है. उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात करती हैं, जबकि इसे सिर्फ मरकजी हुकूमत ही वापस ला सकती है. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 30 साल बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात में 58% से ज़्यादा वोटिंग हुई और लद्दाख में 82% से ज़्यादा वोटिंग हुई. लोकसभा चुनाव में 30 वर्षों के बाद पहला यह अवसर रहा है जब मोर देन 58% की वोटिंग इस जम्मू कश्मीर की धरती पर हुई है. वहीं पर लद्दाख में मोर देन 82% वोटिंग हुई है. कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी चारों तरफ हाय तोबा मचा रही हैं, शोर मचा रही हैं. वह आएंगी तो आर्टिकल 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगे. जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है. बहनों भाइयों, यह आपके आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं. और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर दाखिला आमिर शाह के बयान पर कहा कि हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और दफा 370 को वापस लाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दिए हैं जो कहा ये परमानेंट है. हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की नौशेरा में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया. अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा और हमारा तिरंगा जम्मू कश्मीर में हमेशा लहराएगा. एनसी को जो करना है वो करे, हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे देंगे और देंगे. भाइयों बहनों, आप सभी लोग तो इससे खुश हो मगर मैं बता कर जाता हूं सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है, इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए, आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे. 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे. अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो, अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता. अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं.
बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने जम्मू के बरनाई में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये खुद बीजेपी की तरफ से उठाया गया एक कदम है, जिसकी वजह से एक मुल्क में दो निशान, दो मुकन्नना और दो सरबराहों का निजाम खत्म हो गया है। जम्मू का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। अगर मैं इसको याद करूं तो मैं ये गौरव के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्हें हम शेरे डुग्गर के रूप से जानते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हमारे भारतीय जनसंघ के प्रथम लोगों में वो थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया। ये हमारा जम्मू से गहरा रिश्ता है कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है और आज हम एकीकृत तरीके से संविधान के दृष्टि से एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इसके तहत चुनाव हो रहा है, इसको भी हमको ध्यान में। और सिरसा में मीडिया से बात करते हुए हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमें जबरदस्त हिमायत मिल रही है और आवाम ने भारी अक्सरियत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की हुकूमत बनाने का इरादा कर लिया है। जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ 36 बरादरी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार। दूसरी तरफ टिकट की तकसीम को लेकर कांग्रेस में हलचल है। पार्टी के कई रहनुमाओं ने टिकट न मिलने पर नाराजगी का इजहार किया है। इसी सिलसिले में हरियाणा की कांग्रेस लीडर शारदा राठौर ने अब अपनी ही पार्टी पर इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चमड़ी और दमड़ी की बुनियाद पर टिकट मिलता है। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे अभी तक समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस की आला कयादत पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस में टिकट चमड़ी और दमड़ी के दाम पर दिया जाता है, मतलब कि चमड़ी सेक्सुअल फेवर और दमड़ी पैसों के एवज में। ये पहली बार ऐसे आरोप नहीं लग रहे, कास्टिंग काउच के पहले भी आरोप लग चुके कांग्रेस पे, पर जब ऐसे आरोप लगते हैं तो कार्रवाई करने के बदले उन लोगों पर जो ये कर रहे हैं, महिलाओं पर ही प्रताड़ना की जाती है। सिमी रोजबेल जॉन को निकाल दिया गया, अब शारदा राठौर को भी चुप करवा दिया जाएगा या बयान बदलवा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में जारी इस मुजाहरे में बड़ी तादाद में बीजेपी एमएलएज, लीडर और कारकुनान शामिल हैं। एहतजाज करने वाले बीजेपी लीडरों ने कहा कि इस एहतजाज का मकसद दिल्ली की आप हुकूमत की बदउनवानी को आवाम के सामने बेनकाब करना है। दिल्ली में अपोजिशन लीडर विजेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि रियासत की आवाम आने वाले असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी, आइए उनसे बात करते हैं। बीजेपी का धरना और दूसरी तरफ जनता की अदालत लगा रहे हैं, मंत्र पे देखिए हम नहीं जानते क्या है ये, तो हम पहले बहुत सालों से देख रहे हैं, बार बार ये चीज़ें चलती नहीं हैं, लेकिन आज जो हम यहाँ देख रहे हैं वो सब कुछ नया है, हैरान कर देने वाला है और आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये आम आदमी पार्टी ने किस तरह लोगों को छला है वो आपके सामने। चुनावी बिगुल की तैयारी माने कंपटीशन कांग्रेस कहीं नहीं है आज? देखिए हमें तो मालूम नहीं है कांग्रेस कहीं है या नहीं है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जिन्होंने दिल्ली को कम से कम 50 साल पीछे किया। प्रदर्शनी लगाने का मतलब यह है कि चुनावी एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाएगी? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका इसके सवाल पर जवाब देने से क्यों भागते हैं ये? अगर आपने ये आलीशान महल बनाया है तो फिर इनके सवालों से क्यों भागते हैं? पारदर्शिता कहाँ गई? अब ये माने कि क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है चुनाव का, तो अब भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, चुनाव में आने वाले समय में अब चुनावी रंग देखने को मिलेंगे।
बिल्कुल हम लोग मैदान में जनता की अदालत में हम जाएंगे, सच लेकर जाएंगे और झूठ का पर्दाफाश करेंगे और आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली बनाएंगे। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि दिल्ली का चुनाव दूर नहीं है तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी मैदान में होगी और प्रदेश सरकार की नीतियों और जो उन्होंने कार्य किए हैं उसको लेकर जनता के बीच जाएगी और जनता से वोट मांगेगी। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस ने लोन वर्राटू मुहिम के जरिए बड़ी कामयाबी हासिल की है। दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सली सोच से मुतासिर नौजवानों की बाजावतकारी और समाज के मरकजी धारे में उनकी वापसी के लिए लोन वर्राटू मुहिम शुरू की, जिसने चार नक्सली जोड़ों की घर वापसी कराई है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक कुल 872 माओनवाज हथियार डाल चुके हैं। इन 1997 वो अफराद हैं जिन पर इनाम रखा गया था। दंतेवाड़ा के समक्ष चार माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें दो जो है दंपति हुंगा तामो और आईटी ताती, ये रीजनल कंपनी नंबर 2 सीआरसी कंपनी नंबर 2 के सदस्य हैं, जिनके ऊपर शासन द्वारा पूर्व से 8 लाख का इनाम घोषित है। इसके अलावा जो देवे और फीडे पंजाब है, जो उत्तर सब राजनीतिक टीम के सदस्य हैं, इनका जो काम रहता है मुख्य राजनीतिक तौर पर जो नए रिक्रूट्स होते हैं उनको उनकी जो विचारधारा है माओवादी विचारधारा के वर्ष ट्रेनिंग देना और उनको ब्रेन वॉश करना, उसमें ये सक्रिय थे। कुल जो चारों के ऊपर शासन द्वारा जो घोषित इनाम टोटल 20 लाख रुपीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद के साथ एक बार फिर तनाज़ा जुड़ गया है। अयोध्या के सिटी थाने में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने अयोध्या के रिहायशी रवि कुमार तिवारी की शिकायत पर अजीत प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रुकन पार्लियामेंट के बेटे के खिलाफ मुतासिरा को अगवा करने, गाड़ी में उस पर हमला करने और उसे धमकी देने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में अजीत प्रसाद के साथ राजू यादव, श्रीकांत राय और 10-15 नामालूम लोगों को नामजद किया गया है। अजीत प्रसाद अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर होने वाले जिमनी इंतखाब की तैयारी कर रहे हैं। अजीत प्रसाद जो है वो मौजूदा सांसद जी के लड़के हैं। अच्छा। और राजू यादव जो है उन्हीं के साथ रहते रहते हैं, विशेष उनके बारे में हमको प्रॉपर्टी डीलिंग वीलिंग का काम करते हैं। हमको बोले जो है मेरा पैसा जो है जल्द से जल्द वापस कर दो, नहीं तो जो है हाथ पैर तुलवा देंगे। फिर उसके बाद में जब राजू यादव हमको बोलने लगे जो है कि पैसा हमारा जो है 4 से 5 तारीख में दे दो, नहीं तो तुमको हम मरवा देंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले वजीर आला नीतीश कुमार ने जेडीयू की नई रियासती एग्जीक्यूटिव तश्कील दी है। नई एग्जीक्यूटिव में पार्टी के 68 आला रहनुमाओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के वर्किंग सदर संजय कुमार झा, मुंगेर के एमपी और मरकजी वजीर ललन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव को रियासती एग्जीक्यूटिव में शामिल किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने विजय चौधरी, उमेश सिंह कुशवाहा, साबिक मरकजी वजीर दसई चौधरी, साबिक एमपी चंद्रेश्वर चंद्ररंशी और साथ में साबिक एमपी विजय कुमार समेत कई लीडरों को एग्जीक्यूटिव में जगह दी है। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती दूसरे दौर में दाखिल हो गई है। किसी भी उम्मीदवार को दरकार 50% वोट हासिल नहीं हुए हैं। अनुरा दिसानायके 41% वोटों के साथ सबसे आगे हैं, वहीं सुजीत प्रेमदासा 33% वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। तो श्रीलंका के सदारती इंतखाबात हो गए हैं और किसी को भी अक्सरियत नहीं मिल पाई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। टीम इंडिया ने भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया पहला टेस्ट मैच बड़ी आसानी से जीत लिया है। टीम इंडिया ने इस मैच में बांग्लादेश को 280 रन से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। भारत की जीत में आर अश्विन का रोल बहुत अहम था। उन्होंने इस मैच की पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाई और दूसरी इनिंग्स में भी 6 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की ये 6ठी जीत है। आपको बता दें कि पहली बार टीम इंडिया ने किसी भी टीम के खिलाफ लगातार 6 मैच जीते हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।